एक चीज, एक आदत जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, जरूर डेवलप करनी चाहिए, वो है इग्नोर करना सीखिए। जिंदगी में पहले ही बहुत परेशानियां हैं, बहुत तनाव है, उस तनाव को मजीद मत बढ़ाइए। इतने मोर्चे पहले ही खुले हुए हैं, अब अपनी तरफ से और मोर्चे मत खोलिए। आप किसी को पसंद करते हैं और उसने किसी और को पसंद कर लिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस बात को अपने दिल पर नहीं लेकर जाना, इतना बढ़ावा नहीं देना कि तेजाब की बोतल लेकर घूम रहे हैं उसके पीछे कि छोड़ूंगा नहीं उसे, अब उसने मुझे इग्नोर कैसे किया, रिजेक्ट कैसे कर दिया, और या फिर जिंदगी से इतना मायूस हो गए हैं कि किसी काम में दिल नहीं लग रहा, यूं समझ लिया है कि जिंदगी तो जैसे खत्म हो गई है। और कुछ लोग तो सच में अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचने लगते हैं, सारा सारा दिन बल्कि कई हफ्तों एक व्हाट्सएप मैसेज को लेकर के बैठे रहते हैं कि मैंने उसे मैसेज किया है और वो जवाब नहीं दे रहा, रीड नहीं कर रहा, और या फिर रीड तो कर लिया है लेकिन इग्नोर कर रहा है, बार बार मोबाइल निकाल कर देख रहे हैं कि जवाब आया कि नहीं। आपने अपनी जिंदगी को क्या समझ रखा है? एक मैसेज का जवाब नहीं आया तो आपकी जिंदगी रुक गई, खत्म हो गई। एक बंदे ने आपको इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आपके लिए जीने का मकसद खत्म हो गया। क्या यही है आपकी जिंदगी? इस दुनिया में तो हमारे प्यारे, हमारी जान से अजीज लोग हमें छोड़ देते हैं, हमें छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं, और हम फिर भी जीते रहते हैं। हम उनके बगैर जीना सीख लेते हैं, हमें सब्र आ ही जाता है। वो जो हमें बहुत प्यारे थे, जिनके साथ हमने जिंदगी की कई बहारें देखी थी, कई खुशियां कई गम इकट्ठे बिताए थे, अगर हम उनके बगैर जीना सीख जाते हैं तो एक व्हाट्सएप मैसेज की क्या औकात है? दोस्तों, जिंदगी में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि हमें रिजेक्ट किया जा सकता है। इसको अपनी अना का मसला ना बनाइए, इसके पीछे अपनी जिंदगी मत गवाइए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जिंदगी में एक बार, कम से कम एक बार रिजेक्ट होना बहुत जरूरी है। रिजेक्शन आपको मजबूत बनाती है, जिंदगी जीने का हौसला देती है। आप किसी पर लट्टू की तरह घूमो और वो कहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो ये झेलना बहुत जरूरी है। जिंदगी में ये झेलना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपको कोई इग्नोर कर दे या रिजेक्ट कर दे तो इसको कोई बड़ी बात ना समझे। भाई, उसकी मर्जी है, जैसे आप उसको पसंद करते हो वैसे ही हो सकता है कि वो किसी और को पसंद करता हो, तो उसके पीछे पीछे मत फिरें, उसके पीछे पागल मत बने। अगर वो आपको इग्नोर करता है तो आप भी उसको इग्नोर कर दो और जिंदगी में आगे बढ़ो। आपकी जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो जाएगी, रुक थोड़ी जाएगी। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। देखिए, अगर आप हर वक्त किसी के पीछे ही फिरते रहेंगे, बार बार उसको मैसेज करते रहेंगे, जवाब का इंतजार करते रहेंगे, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि आप तो बस उसके पैरों में ही पड़े हो। वो जब चाहे आपको इग्नोर कर सकता है, आपको इस्तेमाल कर सकता है। बाज लोग ये सोचते हैं कि अगर हम उसको मैसेज करना, उससे बात करने की कोशिश करना छोड़ देंगे तो हम उस बंदे को खो देंगे, वो हमारी जिंदगी में नहीं रहेगा। भाई, वो आपकी जिंदगी में है ही कब जो आप उसे खोएंगे? आप तो एक धोखे में पड़े हुए हैं। ऐसा शख्स जो आपको तवज्जो नहीं देता, अहमियत नहीं देता, आपको इग्नोर करता है, तो फिर आप भी उसकी परवाह करना छोड़ दें, आप भी उसे इग्नोर कर दें। ऐसे शख्स को खो देना ही आपके लिए अच्छा है। देखें, एक बंदा जिससे आप रिलेशनशिप चाहते हैं लेकिन वो आपको इग्नोर करता है, तो अगर आप भी उसे इग्नोर करना शुरू कर दें तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो वो बंदा आपकी बात को समझ जाएगा, अगर वो वाकई आपके साथ रिलेशन चाहता है तो वो समझ जाएगा कि आप बराबरी का सलूक चाहते हैं, आप पीछे पीछे फिरने वाले नहीं हैं, और वो आपको तवज्जो और अहमियत देने लगेगा। और दूसरा ये हो सकता है कि वो आपसे
बात करना बंद कर दे तो ये भी आपके लिए अच्छा है। ऐसे बंदे का आपकी जिंदगी में ना होना ही अच्छा है। क्या हुआ, दिल टूट जाएगा तो टूटने दें। जैसा मैंने पहले कहा कि जिंदगी में कम से कम एक बार दिल का टूटना, रिजेक्शन का मिलना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आपको मजबूती मिलेगी, इससे आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी बल्कि आपको नई जिंदगी मिलेगी। तो जो आपको इग्नोर करता है उसे डबल इग्नोर कीजिए और अपनी जिंदगी में मस्त रहिए। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।